नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक्स में स्वागत है। हम लोग जो है आर्यस अग्रवाल की सुपर 30 सीरीज चला रहे हैं। कल हमने जो है आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, बेसिक बता दिया था। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके सुपर 30 जो है नाम से बनी हुई है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम लोग उसी क्रम में अपना जो है अगला क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। और लास्ट में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर तीसरे क्वेश्चन में समय नहीं दिया गया है, तो तीसरे क्वेश्चन में अगर समय न दिया गया हो, चूंकि टाइप भी इंसान ही करता है तो मिस्टेक हो सकती है, तो तीसरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ ले रहा हूँ, आप लोग जो है देख लीजिएगा। 3600 रुपए की राशि को दो बराबर भागों में विभाजित करें कि पहले पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का एसआई दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो तो राशि क्या होगी। ठीक, तो इसमें 3 वर्ष दिया गया है, अगर उसमें ना लिखा गया हो तो उसको आप बना लीजिएगा। ठीक, तो आज हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ठीक, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। एक्स वाई दो समान राशियां हैं, मतलब कि एक्स और वाई समान राशि है, समान राशि है, तो हम मान लेंगे कि माना राशि हमारी कुछ भी मान लीजिए, हम राशि मान लेते हैं कैपिटल यक्ष या यक्ष ही मान लेते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से आर बराबर 7.5% है, पी बराबर हमारा समान है, P1 भी यक्ष है, P2 भी यक्ष है, और समय हमारा T1 4 दिया गया है, T2 5 दिया गया है, SI2 माइनस SI1 बराबर 150, मतलब जो ब्याज का अंतर है वो कितना है, 150 है। तो SI2 यानी कि P2 R2 T2 अपान 100 माइनस T1 R1 T1 अपान 100, ये बराबर कितने के हैं, 150। फिर आगे देखिए, मान रखेंगे तो P1 R1 की जगह पे समान मान रखना है 7.5 और x, तो x गुणे 7.5 गुणे T2 का मान है 5/100, इसमें भी है, इसमें 100 लघुत्तम ले लीजिए, x गुणे 7.5 गुणे 4 बराबर 150, तो यहां से हो जाएगा x गुणे 7.5, 5 माइनस 4, इसको कॉमन ले लेंगे दोनों में है, तो 5 इसमें बचेगा, इसमें 4 बचेगा, इसका इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 150, 20 यानी 15,000। फिर यहां से यक्ष का मान निकालेंगे तो 15,000/75 7.5 है, तो जब ये हम दशमलव हटाएंगे तो यहां पे 10 बढ़ा देंगे, तो 25, अगर हम 15 की बात करें, 15×5=75, 15×15=40, फिर 5×5 5×2=10, 3×0, यानी कि जो राशि होगी, राशि कितनी हो जाएगी, 2000 रुपए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि एक राशि का एसआई किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, एक राशि का एसआई की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक प्राप्त होते, 72 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो यह राशि कितनी है। देखिएगा, एसआई की किसी दर पर, दर हमको नहीं पता, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यानी कि टी बराबर हमको दिया गया है कितना, 2 वर्ष, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज पर किया जाता है, मतलब अगर पहले आर हमारी यक्ष थी तो बाद में आर कितना हो गया, यक्ष प्लस 3% हो गई, 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, यानी कि पहले अगर यक्ष था
तो अब हमारे एस प्लस 3% हो गई। तो ब्याज 72 रुपए अधिक मिलते, यानी कि यस आई टू माइनस यस आई वन बराबर 72 रुपए। तो देखिए जो हमको 72 रुपए अधिक मिलता, एक तो नियम ये है कि हम इससे लगा सकते हैं, ये आपका बेसिक है, विस्तार में है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस नियम से अब नहीं लगाएंगे। आप लोग इस नियम से घर पर ट्राई कीजिएगा, हम नए नियम से लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, तो यानी कि जो 72 रुपए हमको अधिक मिल रहा है, 72 रुपए जो अधिक मिल रहा है वो किस निवेश पर मिल रहा है, जब 3% आर बढ़ाते हैं। हमने बताया था जब कल बेसिक बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि आप केवल आरटी किया कीजिए, आरटी का जो परसेंट होता है ये बराबर हमारा ब्याज के होता है। तो आर हमारा 3% बढ़ाया गया है यानी कि 3, और इनटू टी हमारा क्या है 2, और ये बराबर ब्याज कितना है 72, यानी कि हमारा 6% जो है ये कितने के बराबर है 72 के बराबर है, 6% हमारा 72 के बराबर है। तो जो राशि है, राशि क्या हो जाएगी, राशि यानी कि 100% बराबर 72/6 × 100, तो 6 × 12 अर्थात जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 1200 रुपए, यही हो जाएगा आंसर। अगर आपको ये न समझ में आया हो कि हम कैसे इसको ये कैसे कर दिए, तो आप हमारी पहली वीडियो पार्ट 1 इसका जरूर देखिए। अगर आप एक क्रम से देखेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो समझने में आपको दिक्कत होगी। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। कह रहा है ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.7 सही 3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी थी। देखिए 8% से 7 सही 3/4% हो जाती है, मतलब 7 × 4 = 28, 28 × 3, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो 7 × 4 = 28, 28 × 3 = 11, यानी कि 31/4% किससे होती है 8% से, 8% से 31.4% हो जाती है। तो अंतर कितने का पड़ रहा है यही देख लीजिए बस। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, 8 − 31/4, तो 8 × 4 = 32, यानी कि 1/4% का जो हमारा अंतर हो रहा है, ये अंतर किसकी वजह से आ रहा है, जो हमको जो है कह रहा है कि उसकी पूंजी में वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ जाती है, ये कमी किसकी वजह से हो रहा है, 1/4% की वजह से हो रहा है। तो चूंकि वार्षिक आय कह रहा है, तो अगर हम यहां आरटी देखेंगे तो आर हमारा 1/4 है और टी जो है समय यानी कि वार्षिक कह रहा है, इसलिए 1 है, तो 1/4 × 1% अर्थात कितना हो जाएगा 1/4% बराबर 61.50 के। तो जो हमारी वार्षिक आय है, वार्षिक आय कितनी हो जाएगी बराबर 100%, और 100% का मतलब क्या हो जाएगा कि 61.50 × 100, और ये 4 उधर जाएगा तो 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0, 4 × 5 = 20 की जीवन लेकिन तो 4 × 4 = 6 और 4 × 6 = 24, फिर 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव अर्थात 24,600 रुपए, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये चीज है, हम फिर से बताएंगे कि अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि आरटी बराबर ब्याज का अंतर कैसे किए हैं, तो आप कल वाली वीडियो जरूर देखें। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया,
6% दर से कोई ऋण लिया है तो आर बराबर 6%। यदि दर प्रतिवर्ष 1.5 वार्षिक दर से बढ़ती है, मतलब कि पहले वर्ष दर इतनी थी, दूसरे वर्ष 1.5% वार्षिक, तो मतलब 1.5% का मतलब हुआ कि 3/2, यानी कि 1.5% का मतलब क्या हुआ 3/2, तो 6 × 12 15/2। फिर तीसरे वर्ष कितनी हो जाएगी 15/2 प्लस 3/2, यानी कि 18/2, 9। तो पहले वर्ष जो दर है हमारी 6 है, दूसरे वर्ष जो दर है वो इतना है, तीसरे वर्ष जो दर है वो इतना है। तो कह रहा है कि वह 81.92 रुपए ब्याज के रूप में देती है, तो मूलधन क्या था? अगर मान लीजिए कि मूलधन ₹100 रहा, ठीक, अगर जो है मूलधन ₹100 हमारा रहा हो, तब अगर मूलधन ₹100 रहा हो तो 3 बार, एक पहला 3% है, पहला 6% है, दूसरा 15% है, तीसरा ये है, तो मूलधन इंटू दर कितना 6 इंटू समय 1/100, फिर प्लस पहले वर्ष इतना ब्याज देगी, दूसरे वर्ष अगर करेंगे तो 15/2 और इंटू 1/100। आप समझ रहे होंगे 15/2, ये नीचे 2 कहां से आ गया, नीचे 2 वही 15/2 आया है, प्लस तीसरे वर्ष क्या दे रही है, मूलधन इंटू दर यानी कि 9 और इंटू समय 1/100, तो टोटल कितना दे रही है, टोटल दे रही है 81.90 रुपए, तो ये बराबर है 81.90। बस यही सॉल्व कर दीजिए, 6×6x/100 प्लस 15x/200 प्लस 9x/100 बराबर 81.90। तो यहां से 200 लोग उत्तम ले लीजिए, तो 6×12x प्लस 15x प्लस 18x बराबर 81.90। फिर देखिए आगे जोड़ देंगे इसको, तो 8×5 13, 13×2 15, 5 ऐसे लगेंगे, 1×1 2×1 3×4 45x बराबर 81.90×200। फिर देखिए 5×9 45, 5×4 20, 40, 9×9 81, 9×9 9, तो यक्ष बराबर, यहां लिख दे रहे हैं, यक्ष बराबर आपका आ जाएगा 910×40, तो 4×9 4, 4×9 36 और 2×0, तो 36,400 रुपए, यही आ जाएगा हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक, 36,400 रुपए। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, एक बार वीडियो बैक करके पुनः देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन ₹32.64 हो जाता है, तो ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उसी समय में मिश्रधन क्या हो जाएगा। 2400 रुपए का निश्चित ब्याज की दर पर, यानी कि P बराबर आपको दिए हैं 2400 रुपए, निश्चित ब्याज की दर पर T बराबर दिए हैं 4 वर्ष, ठीक, मिश्रधन यानी कि A बराबर आपका हो जाता है 32.64। तो कह रहा है कि R में 1% की वृद्धि करने पर, R में 1% की वृद्धि करने पर उसी समय में A बराबर क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखिए कि 2400 रुपए से 3200 रुपए हो गया है, तो इसका मतलब कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, तो इसका मतलब ब्याज कितना है, ब्याज कब, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 24 6 2 864 रुपए।
चार वर्ष में 864 रुपए हमको ब्याज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम बताए हैं कि आरटी परसेंट ये बराबर होता है यही ब्याज के। तो आर हमको नहीं पता और टी पता है चार, तो आर इंटू चार, ठीक, आरटी परसेंट जो है यही हमारा जो है ब्याज के बराबर होता है। तो आरटी परसेंट यानी कि आर इंटू चार बराबर कितने के होता है 864 रुपए के, ठीक। तो देखिए चार वर्ष का ब्याज हमको इतना रुपए मिला है, तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो यहां से दर हम निकाल सकते हैं। आर हम कैसे निकालेंगे, आर बराबर 100 गुणे यस आई अपान पी इंटू टी। तो आर बराबर 100 गुणे 864 रुपए यस आई मिला है, पी पी हमारा कितना है 2400 और इंटू टी टी हमारा है 4। दो जीरो से आपका दो जीरो कट गया, 4 × 8 4 × 4 = 24 और यहां पे 24 को देखें तो 6 × 4 = 24 6 × 3 = 18 6 × 6 = 36 4 × 9 = 36 तो आर बराबर हमको मिल गया 9%। तो कह रहा है कि आर ने 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो नया आर क्या हो जाएगा, नया आर हमारा हो जाएगा 9+1 यानी कि 10%। समय हमारा वही है चार वर्ष, ठीक। तो जो हमारा ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, आरटी परसेंट मिलेगा, अर्थात 10/6 = 40% ब्याज मिलेगा। तो चलिए, तो ब्याज बराबर 2400 का 40% निकाल लीजिए। तो दो जीरो से आपका दो जीरो कट गया, 4 × 0 = 0 4 × 16 = 6 960 रुपए हमको ब्याज मिलेगा। तो हम ए का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 2400 और प्लस 960, तो बराबर 9×4 = 13 यानी कि 3360 रुपए, 3360 रुपए यही हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक। तो कहीं अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। ये है इतना, अगला क्वेश्चन फिर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।